भैया जी कहीं मैं फिर से हाजिर हूँ। दो चार दिन का, पांच दिन का हो जाए, मुझे ध्यान नहीं रहता कि इतना गैप कब हुआ, लेकिन हो जाए तो बड़े तकलीफ मुझे भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोड्यूसर को तो होती है, जनता को सबसे ज़्यादा होती है, जो यहाँ से आके लौट जाते हैं कि आज आएंगे कि नहीं आएंगे। आना तो रोज़ होता है, मंडे से सैटरडे शो होता है भैया जी कहीं, लगातार आपके बीच में बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए आता, नन्हे मुन्ने से लेके बुजुर्ग तक। क्या उम्र बाबू जी आपकी? 18 कम 100। और उनकी कितनी उम्र है? 7 ईयर्स। ओ क्या नाम है आपका? इनका 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 आस्था आईसा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आपका? बल्ली मारान से। आह बल्ली मारान की वो गलियां कौन भूल सकता है, और फिर जब वो याद आती हैं तो गालिब भी याद आते हैं। मेरा कई बार जाना हुआ है वहां पे, यूं ही जाने के लिए बस जाना है वहां। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे एक बार फिर से मौजूद हैं, एमपी से आए हैं, तो बताओ क्या करें तुम्हारे लिए, बताओ। मेरा एक क्वेश्चन है, निवेदन है सरकार से कि जल्दी से जल्दी एमपी पटवारी की जॉइनिंग करवा दे। जब मैं चुनाव में घूम रहा था एमपी में, तो ये मुद्दा बार बार आ रहा था पटवारी की जॉइनिंग करा दी जाए, और ये तमाम सारे नवयुवक मुझे मध्य प्रदेश में मिलने थे और ये कह रहे थे कि पटवारी की जो भर्तियां हैं वो जल्दी से जल्दी कराई जाए और मध्य प्रदेश सरकार को फैसला लेना है जी। और कहना एक बात, नवयुवक को मौका मिलना चाहिए जी। जैसे चुनाव होता है तो यदि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे सवाल होता है तो उसी का इलेक्शन रद्द होता है या उसी की जांच होती है, ऐसे ही यहाँ एमपी में एक सेंटर पर सवाल हुआ है, लेकिन पूरी परीक्षा पर सवाल उठाए, वो पूरी परीक्षा को ही जांच के घेरे में ला दिया, पूरी परीक्षा को जांच के घेरे में ला दिया। जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए, नियुक्त पत्र मिलने चाहिए, ज्वाइनिंग होनी चाहिए, घर में बधाइयों के संदेश आने चाहिए, आनंद होना चाहिए, मंगल होना चाहिए। कहाँ से आया आप? गोरखपुर से। डिलीट द ड्रामा। हाँ जी क्या बात है, डिलीट द ड्रामा, बहुत बहुत ड्रामे के बगैर तो मेरा तो काम ही नहीं चल सकता। ड्रामा जीवन का जो है अभिन्न अंग है। वो तमाम सारे मेहमान जो आज मौजूद हैं, पूरी बेंच मेरी आज भरी हुई है और मुझे देख के बड़ा खुशी हो रही है। साल के अंतिम हफ्ते में है, 3-4 दिन बाद 31 को शायद इतवार है, इस बार संडे है तो शो नहीं करूंगा, लेकिन सैटरडे को शो तो लगातार होगा और फिर नए साल में आपसे जरूर मुलाकात होगी और अब मैं आपसे तब बात करूंगा, रिजोल्यूशन के बारे में जरूर बातचीत होगी। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी आज बहुत दिनों बाद शो में आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब पसमांदा समाज से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रभात जी लखनऊ से आए हैं जी, आहा भी करेंगे थोड़ी देर में करेंगे आहा। मुझे तो लगता है कि सिर्फ यही देखने आते हैं, क्या समझ रहे हो कि आहा कब करते हैं और कैसे करते हैं। मैंने कहा कि बहुत साल लगे इसमें आह में आह पैदा करने के लिए, आपने आके एक मिनट में ही पैदा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी, थैंक यू सो मच। हमारी समझ से सारे लोग ऑटो वाले नवल भैया ऑटो चलाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कैसा रहा काम धंधा? ठीक है सर। ठीक रहा? कितना पैसा कमाए आज? अरे सर 1000 रुपए का काम करके बैठा हूँ। अब आएगा है? आपसे ज्यादा है। अरे भैया हमसे सब ज्यादा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सबका ज्यादा ही होना चाहिए। खूब खूब ज्यादा कमाए, घर में खूब सुख समृद्धि आए, यही मेरी कामना है। आप कहाँ से आई जी? दिल्ली से आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, मैं मुद्दा रख देता हूँ, फिर जनता से बात करूंगा। आज निश्चित तौर से जनता से बात करूंगा, हालांकि पैनल बहुत बड़ा है, मैं कोशिश करूंगा। देखिए लड़ाई झगड़ा नहीं, ना लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल चुपचाप। नागपुर में आज कांग्रेस ने रैली करी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है वहां से हुंकार भरी कांग्रेस ने, और उनका नारा था हैं तैयार हम कांग्रेस के लिए। बाबू जी हंस क्यों रहे हैं?
अरे इतनी जोर से क्यों हंस रही हैं आप? हैं तैयार हम, और अच्छा बात है, और उन्होंने अच्छा नारा दिया। उन्होंने कहा कि हैं तैयार हम, काहे के लिए 24 की तैयारी को लेकर हम तैयार हैं। कांग्रेस ने हुंकार भरी है। उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो विचारधाराएं हैं, NDA और INDA। जो INDIA है वो ये दो विचारधाराएं के खिलाफ लड़ रही है। कौन? INDIA। तो उन्होंने कहा कि हैं तैयार हम 24 के लिए। तो सबसे पहले मैं बातचीत इधर से शुरू करूं या एक एक छोटी सी क्लिप ले लेते हैं और फिर मैं इधर आता हूं, फिर मैं जनता से बात करूंगा। जी, टीना करमवीर कांग्रेस की, हैं तैयार हम। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम कार्यकर्ताओं को, पूरे देशवासियों को आज कांग्रेस स्थापना दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ कांग्रेस की स्थापना दिवस नहीं, ये एक आंदोलन था, एक आंदोलन था। इस समय अगर हम आज़ाद भारत में खड़े हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की देन है कि एक आज़ाद भारत में आज हम खड़े हैं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की देन है। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक समय में जब कांग्रेस पार्टी के अरे भाई सुन लो, ये गलत सुनेंगे, पहले बात सुनेंगे जी, फिर करेंगे। क्योंकि देखिए, जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वहीं RSS के लोग वहाँ गुलामी कर रहे थे अंग्रेजों की, तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि RSS जो है उनके साथ गठबंधन किया हुआ था अंग्रेजों के साथ, उनके साथ वेतन ले रहे थे उनके, और हम लोग जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी 19 1931 लग के 1947 तक एक आंदोलन बताइए जो कांग्रेस ने किया हो। 1942 का आंदोलन छोड़ो, भारत छोड़ो यात्रा कर, मैं ये बोल, एक मिनट सुनिए, 1942 जिसमें दो महीनों में ही इन्होंने वो जो है अपना आंदोलन वापस ले लिया, तू जानते हैं? एक मिनट सुनो मुझे, मैं बता रहा हूँ। और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुर्बानी दी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के लिए कुर्बानी दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, देश के लिए कुर्बानी दिया चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, सरदार भगत सिंह ने। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं इनको, हाँ। कि आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानी दी, तो आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सरदार भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु को फांसी किस दिन? 23 मार्च 1931। और 4 मार्च 1931 को कांग्रेस पार्टी इरविंग साग पैक करती है, एक मुद्दा उठाया कि सरदार भगत सिंह को फांसी रोकने का, नहीं। कुछ थोड़े थोड़े हिस्टोरिकल फैक्ट इधर इधर हो सकते हैं। मैं एक बात, मुझे बोलने का हक है, मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, क्या सवाल ये बनना चाहिए था आपका, क्या ये वही कांग्रेस है जो आजादी की लड़ाई में लड़ रही थी? ये सवाल होता है, ये जायज होता सवाल, क्योंकि ये कांग्रेस और वो कांग्रेस एक है, तो ये सवाल तो बनता है। मैं ये सवाल रखता हूँ, मैं आपके सवाल को छोटा कर देता हूँ। और दूसरा, ये एक शब्द से मुझे एतराज कि गुलामी कर रहे थे, राष्ट्रीय सेवक संघ गुलामी कर रहा था, ये इसमें इससे एतराज। बाकी मुद्दा खोलता हूँ BJP के बाद जनता के बीच में। जी प्रतीक जी, पहले सबसे पहले RSS की विचारधारा का अगर तनिक भी कांग्रेस अपने अंदर ले लेना तो आज विपक्ष का ये हाल नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी विचारधारा क्लियर है। अरे तो देते क्यों नहीं हो? विचारधारा क्लियर है। अरे कितना दे, बच्चे को उंगली पकड़ के सिखा रहे, अब क्या करें? प्रधानमंत्री जी ने सरेआम कहा, थोड़ी विरोध की अपने गतिविधियों में सुधार ले आए, पर ये सुधारते नहीं। एक बात मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि है तैयार हम, कांग्रेस ने कहा, पीछे से जनता ने कहा विपक्ष में बैठने के लिए फिर से तैयार है ये कौन? जनता ने कहा। और मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे न्याय यात्रा, जिन पार्टी ने अपने ही पार्टी के अंदर लोकतंत्र की न्याय ना करा हो वो न्याय की बात करते हैं, जिस पार्टी को न्यायालय पे भरोसा ना हो वो न्याय यात्रा निकालने की बात करते हैं। न्याय तो अब हो रहा है प्रतीक भैया, कि देश में Chandrayaan-3 दिख रहा है और राम मंदिर भी बन रहा है। मोदी जी कहते हैं देश में 4 जातियां हैं, तो महिला को तो आपने देखा होगा विनेश फोगाट और साक्षी मलिक किस तरीके से आपने कहा कि महिलाओं को उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। आज के टाइम पे महिला वाला खेल ना खेला जाए, क्योंकि दोनों लोग बराबर हैं, मतलब लड़कियां लड़के सब कोई बराबर है, तो ये कोई वो बात नहीं होती, महिलाएं बराबर हैं पुरुषों के। डिलीट द ड्रामा है, यस, लेट्स डिलीट द ड्रामा। जी बाबूजी, कहां से आना हुआ?
राजस्थान कोटा से हूँ। आज के दौर में तेज आवाज में बोल के इतिहास बदला जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके संसद में विपक्ष के सांसदों को बर्खास्त किया गया सिर्फ सवाल पूछने पर। जनता के मुद्दे अगर विपक्ष नहीं पूछेंगी सरकार से तो कौन पूछेगा। आज मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में सरकार बने आज 15 दिनों के, कैबिनेट नहीं बनी है। 50,000 लोगों को बेरोजगार करने का नए साल में तोहफा बीजेपी की सरकार ने वहां राजस्थान। क्या नाम है आप? बाबूजी यहाँ पे आराम से खड़े रहिए, चाहे जहाँ से आए हो। इतिहास नहीं बदला जाए। जी बिल्कुल। कांग्रेस ने कहा कि 1.40 करोड़ के करीब हम सिलेंडर देते और ये तो 70 लाख में ही निपटा दे रहे हैं सिलेंडर को लेके। ये भी बात हुई, उन्होंने कहा कि 500 रुपए का सिलेंडर कम मिलेगा बीजेपी की तरफ से राजस्थान में, नहीं मालूम। पहली बात तो ये संसद भेजा गया है जनता के सवाल उठाने के लिए। मंकी मोंकी करेंगे वहां बैठकर तो बाहर ही भेजेंगे। ड्रामाबाज नहीं चाहिए संसद में, जन प्रतिनिधि जन आंदोलन वाले चाहिए। अगर इतना ही शौक है ना तो 10 कॉमेडी शो चल रहा है आपके आसपास भी। लेट्स डिलीट द ड्रामा। जी मैं आया, आ गया, मैं आ गया। वन बाई वन। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मेरा बिहार गया से हूं। बिहार गया से सबको वहीं जाना है। जी बोलिए। हाँ ये बात सही है, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती। जी बस बोलिए। महोदय मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 3 स्टेट अभी बीजेपी जीत कर करके आई है और 2014 मोदी जी का क्लियर है, कहीं कोई इसमें कोई दोराय नहीं है, कोई संशय नहीं है। माफ करना, 24 बिल्कुल क्लियर है, 24 बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। कहीं बिहार से बोल रहे हैं? बिहार से बोल रहा हूँ, बिहार से बोल रहा हूँ। 24 बिल्कुल क्लियर है। पंजाब। एक मिनट रुको भाई, फिरोजपुर से। हाँ। और इनसे पूछिए कांग्रेस वालों से, वहाँ के वहाँ पे कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस का क्या हाल है पंजाब में? इन्होंने जरा सर वहाँ पे बदमाशी की है, झूठे पर्चे सभी पे किए हैं और एक भी कांग्रेस का वहाँ पे कोई जीता नहीं है। अगली बार सभी जगह बीजेपी आएगी। कहाँ? फिरोजपुर पंजाब। फिरोजपुर पंजाब। जी मैं आया। जी बाबूजी कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से, वसंत कुंज से। जी मैं मैडम को बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी गुलामी नहीं करी है अंग्रेजों की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जिसने बाढ़ वॉर या जब भी देश पर मुसीबत आई है, श्रीमती मुझे इंसिडेंट याद है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी संघ को कॉल किया और पूरे देश के लिए संघ के स्वयंसेवक रातों रात वहां पर पहुंचे हैं और पूरी रात अपना संभाल। कभी भी कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है देश में, वो वहां रातों रात पहुंचते हैं। एक हमें संगठन से आवाज आती है, पूरे संघ के लोग वहां पहुंच जाते हैं निक्कर पहनकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में टिप्पणी की थी कांग्रेस के, जनता मौजूद थी। मैं आ जाता हूँ। वन बाई प्रभात जी, हमें आरएसएस से सीखने के लिए हमारे तिवारी जी बता रहे थे, हमारे भाई साहब भी बताया, ठीक बात है। उड़ीसा में भी ट्रेन दुर्घटना हुई थी, मैंने नहीं देखा था किसी निक्कर वाले को। आपने नहीं देखा? आपने मैंने उस समय भी भैया जी कहीं प्रूव है, मैंने कहा था बालासार में जिन्होंने कर्तव्यवत से कार्य किया। आपने नहीं देखा तो क्या करें? आपने नहीं देखा तो जाइए, मैं उनसे सीखूं, मैं उनसे सीखूं। ये आप पर है, ये आप पे, यहाँ पे सुनूंगा मैं, ये आप पर है। विश्व हिंदू महासभा बनी थी, उसके बाद मुस्लिम लीग बनी, फिर ये 1925 में आरएसएस बनाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वही था जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज में लोगों को भर्ती होने की बात कर रहे थे, तब ये लोग कहते थे, ये आरएसएस वाले कहते थे, मत जाना वहां। कहां जाना? अंग्रेजों के पास जाओ। फिर रुको, मैं फैक्ट के साथ बोला हूं, एकदम फैक्ट के साथ बोला हूं। कह रहे थे अंग्रेजों के साथ रहेंगे और सावर करके वर्डिक्ट है अमित, हमसे नहीं भाग सकते। नो, सारे लोग पहले बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे। प्रभात जी बैठिए, बैठिए, बैठिए। नो, 10 सेकंड नहीं दूंगा, बैठिए पहले सारे, मैं दूंगा, आम आदमी पार्टी का ही बनता है। सबसे पहले आइए जी, जवाब देंगी प्रतीक जी। अब मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने नारा दिया है तैयार हम, लेकिन सच बोलने के लिए आज तक भी कांग्रेस ने कोई तैयारी नहीं की। 1885 वाली कांग्रेस जिसने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और जिस कांग्रेस को भंग करने के लिए गांधी जी ने भी कहा था, उसके नाम पर आज जनता को बेवकूफ बना रहे जो 1969 में बनी थी। आप पहले बता दीजिए कि नवंबर वाली कांग्रेस है या दिसंबर वाली। नवंबर वाली के नाम पर, दिसंबर वाली के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाना चाहते। आज तक भी आप सदियों में सच बोलना नहीं सीखे और आप जनता को इंसाफ दिलाएंगे? मुद्दे आप उठाते हैं दिसंबर वाली कांग्रेस के और काम कर रही नवंबर वाली। अब आया, मैं आया प्रभात जी, ऑफ कोर्स कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देखिए
मणिपुर से हम लोग जो ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं मणिपुर से शुरू कर रहे हैं, 8 महीने से वहाँ मणिपुर जल रहा है। पहले भाई सारे लोग बैठेंगे, चाहे जो हो, चाहे टोपी वाले हो, चाहे बगैर टोपी वाले हो, प्रभात जी बैठेंगे प्लीज। नहीं तुम लोग नहीं, आंखें तुम्हारे लिए तो चश्मा लेके आया हूँ। जिम्मेदारी किसकी? बकवास करना तो शो कहीं, बकवास मत करना नहीं भगा दूंगा 2 मिनट। रुक, देखो कहीं का पूरा देश देख रहा है कि जब 8 महीने से मणिपुर जल रहा था और तब तक मोदी जी मैं से मणिपुर नहीं बोल रहे, आज जब हम वहां पर न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं तो काम कौन कर रहा है? स्टेटमेंट की भूमिका कौन निभा रहे? राहुल जी इससे पहले भी राहुल जी वहां के महिलाओं का और युवाओं के आंसू पूछने के लिए गए थे और हम यात्रा भी वहीं से शुरू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? कौन सा ऐसा काम किया है? आप सोचिए कि ये तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? राइट, चलिए आइए उठिए जनाब। देखिए ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज ऑफिसर ने किया था, ये क्यों भूल रही है कांग्रेस पार्टी? इस देश के किसी भी नागरिक ने... देखिए 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 देखिए, अब वो कांग्रेस बता रहे हैं ये वाली, और फिर आपने बता दी वो वाली कांग्रेस, तो उस वाली कांग्रेस में तो सारे लोग शामिल थे। तो वही तो कह रहा हूँ कि माननीय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अब इस कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है, भंग कर दो, और फिर ये किस बात की बात कर रहे हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो बलिदान दिए, क्या जितने बलिदान दिए हमारे क्रांतिकारी जो 23-23 बरस के जो नौजवान थे फांसी पे चढ़ रहे थे, उनकी बलिदान को आप भुला देंगे? है तैयार हम जी, मैं आ रहा। मैंने तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता क्या भाई? बैठ जाओ ना प्रभात जी, बैठो प्रभात जी, बैठो बैठो जी। जी भैया बताइए कहाँ से आना हुआ? जी मैं राजस्थान से आया हूँ। एक मिनट चुपचाप बैठेंगे, पहले जब बैठना नहीं आया तो पहले हम बैठना सिखाते हैं आप लोगों को, बैठिए प्लीज। जी जी मैं राजस्थान से आया हूँ। हाँ जी, और मैं राजस्थान में कहाँ से है भैया? जी मैं कवाई सालपुरा तहसील लटरू जिला वाला राजस्थान जी। अरे बाप रे बाप। हाँ जी सर। जी सर, मुझे हिंदू मुस्लिम की राजनीति के तहत फंसाया गया था, जिसके तहत ये कोरोना हुआ, जब मुझ पे मौत का आवरण हुआ और उसके तहत मुझे तीसरी आंख तक का ज्ञान दिया, इतना कष्ट दिया लोगों ने और मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। ये दुनिया मेरे द्वारा बदली गई थी मेरी कोशिश से, जब अहमदाबाद में मेरे साथ आपके द्वारा बदली गई दुनिया। कोई बात नहीं, देखो देखो ऐसा है यहाँ पे भांति भांति के लोग आते हैं, घबरा इस बाजार में भांति भांति के लोग। हाँ नहीं 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 सुनेंगे। क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार अहरवाल। निर्मल कुमार अहरवाल, दुनिया आपने बदली। हाँ। आपके द्वारा बदली गई, हम उसके बारे में पता करेंगे आपसे, लेकिन ब्रेक में पता करेंगे, है ना भैया? कैसे बदल दी दुनिया, हम सारे लोग जानना चाहते हैं दुनिया कैसे बदली। हाँ जी भैया बोलो। मैं यूपी कानपुर से हूँ। अरे बाप रे बाप। हाँ जी कैसे हैं? बढ़िया है सर। हाँ। सर इन्होंने कहा कांग्रेस पद यात्रा निकाल रही है। हाँ, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ, वो जाए पूर्व से पश्चिम की तरफ चले, उत्तर से दक्षिण तरफ चले, योगी जी का बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले भी इनकी सरकार रही है जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे थे, ना बोल पाते थे ना सुन पाते थे, और ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए जो ना। देखो मेरी बात, वो कम बोलते थे, ये बात सच है, ये कम बोलते थे, लेकिन वो लर्नड आदमी थे, इसमें दो राय नहीं, वो लर्नड आदमी थे। मैं आऊ किनसे पूछना, इनसे पूछना? मैं बाबूजी पूछता हूँ आपसे, अब ज्यादा ना बोलो, डिलीट द ड्रामा। आम आदमी पार्टी जी। हाँ जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, कुर्ता वाले आ जाएं जरा, जाल में फंसाते हैं गुरु हैं, जब जाल में फंसाते हो, जब मंच पे पहुंच जाते हो तो वही बोलते हो तो यहाँ बोलना चाहिए, हद गजब के इंसान हो तुम। हाँ जी आ रहा हूँ। प्रतीक भाई, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता न्याय की बात कर रहे थे। न्याय का आलम यह है साहब कि आज जनता दूर, जनता तो दूर, जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे खिलाड़ियों को न्याय मिल गया क्या? क्या जंतर मंतर पर बैठे हमारे बहन बेटियों को न्याय मिल गया क्या? आज भारतीय जनता पार्टी के पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक सांसद के घुटने टेक दी कि हमारे जो पहली महिला थी, पहली महिला मेडलिस्ट थी ओलंपिक के अंदर, उन्होंने संन्यास लेना पड़ा, ये आलम है। क्या हमारे जो किसान भाई थे इसी कड़क ठंड में फाद फो किसान भाई ने शहादत दे दी, क्या उनको न्याय मिल गया क्या? और मणिपुर के अंदर आज भी मणिपुर चल रहा है प्रतीक भाई, क्या नग्न जो महिलाएं थी उनको न्याय मिल गया क्या? कंप्लीट कर दीजिए। अभी न्यायालय की बात कर रहे थे, यही बगल में सुप्रीम कोर्ट है, 5 जजों की बेंच ने एक तरफा न्याय दिया।
अपना जजमेंट सुनाया, लेकिन तानाशाही सरकार ने एक अध्यादेश ला करके फारा का फारा जजमेंट बदलने का कार्य कर दिया। क्या न्याय मिल गया क्या? वो जो आप दिल्ली सरकार का बता रहे, बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूं प्रतीक भाई। अध्यादेश गलत होता है? अध्यादेश गलत रात के अंधेरे में लाने का क्या हो सकता था प्रतीक भाई? दूसरी बात, आज जो जो भी आज हिंदुस्तान के अंदर एक तानाशाही सरकार चल रही है, अघोषित आपातकाल चल रहा है, जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डालने का करके नहीं है। चुपचाप बैठा था, मैं तुमसे पूछ लूंगा, पूछ लो, तुम वहां पढ़ो, पहले वहां पढ़ो। प्रतीक भाई बड़े माफी को 3:7 का थोड़ा सा जवाब देने दी। नहीं नहीं, आप पूरा जितना मन लगा के बोलिए। प्रतीक भाई मैं वही कर रहा हूँ, आज जो जो भी तानाशाही सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डालने का कार्य करेंगे, जो भी इनके साथ बोलेगा उसको ला करके मुख्यमंत्री बना। ये कह रहे हैं ईडी सीबीआई और उसका जी ऑफकोर्स क्या नाम है, मैं आ गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी क्या नाम है साहब? निशु चौधरी मेरा नाम है। आपने एक शब्द बोला था कि मोदी जो अभी के प्रधानमंत्री हैं और जो पुराने प्रधानमंत्री हैं वो लर्नर थे, आपका ये शब्द थे। हाँ। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि तकत तालीम से नहीं चलते, तकत चलाने के लिए आपको सामाजिक होना पड़ेगा, और ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी, जनता को भी। और दूसरी बात, अध्यादेश का मतलब क्या है? जो संविधान में लिखा है वो उन्होंने फॉलो किया है, और ऊपर से आप बोल रहे हो, कभी आप बोलते हो संविधान को लागू नहीं करते, संविधान की बात नहीं सुनते, ये अध्यादेश लाते हैं। पहले ये तय करो कि आप कर क्या रहे हो, कह क्या रहे हो। नीति और नियम आपके कायदे में होने चाहिए। आप कोई भी बात करो ऐसे नहीं चलता। फिर कहूंगा कि तालीम से तकत नहीं चला करते, तकत चलाने के लिए आपको समाज में उतरना। पूरी सभा में चौधरी साहब बिल्कुल सुलझे हुए इंसान है, मैं स्वागत करता हूं चौधरी साहब आपका। मैंने बस सिर्फ इतना किया था, गुस्ताखी माफ हो, कि ये कहा था कि मनमोहन सिंह जी लर्नड आदमी थे और ये सारे लोग कहते हैं, लेकिन हाँ ये बात सच है कि समाज में उतरने के लिए कुछ शर्तें जरूरी हैं, ये बात मैं चौधरी साहब आपकी मानता हूँ। इसके लिए कहाँ से आना हुआ बाबूजी? हैं, बिहार का आदमी वेट करेगा आज? हाँ, इतने उतावले ना हुए, वरना ये नौजवान क्या सीखेंगे कि इतनी जल्दी पड़ी हुई है। जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता न्याय की बात कर रहे थे, इनकी मैं बेचैनी समझ सकता हूँ। इनको न्याय के लिए इसलिए बेचैनी है क्योंकि जब ये न्यायालय जाते हैं तो डोर पे लिखा रहता है नो एंट्री फॉर भ्रष्टाचारी। जो भ्रष्टाचार किया है उसे माला नहीं पहनाएंगे, हथकड़ी ही पहनाएंगे, चाहे कितने भी आरोप लगा ले, कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। और ये जो कह रहे हैं ना भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो दूध के कहां धुले हो जाते हैं, भैया कोई दूध का धुला नहीं है, नीति और नियत मैंने पहले भी कहा था स्पष्ट है, जो आएगा वो राष्ट्रभाव से आएगा। आपके यहाँ जाके शीश महल नहीं बनाते हम। प्रतीक भाई मैं बताता हूँ, इनका नीति और नियत साफ है, अगर भ्रष्टाचार करना मोदी जी के पार्टी में आकर करिए, आपको मुख्यमंत्री बनवाया जाएगा और मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वही नीति नियत। मैं शुभेंदु अधिकारी को उदाहरण देता हूँ, दूध भ्रष्टाचार पर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्या अजीत पवार का जो केस बंद कर दिया, छगन भुजबल का केस बंद कर दिया, बाप रे बाप, रुको खड़े रहो, आ रहा हूँ। कहाँ से आना हुआ भैया? मैं आ रहा हूँ एक मिनट, कहाँ से आना हुआ? पटना से। पटना से बिहार का आदमी बोलेगा? ये कहाँ से, कौन जिला बाबूजी? रोहतास जिला, सासाराम। पहले रोहतास वाला बोलेगा, पहले बॉर्डर का बगल। आप अंदर कैसे आ गए? पहले रोहतास वाला बोलेगा, जिला एकदम बिल्कुल यूपी से लगा हुआ है इसलिए रोहतास। तुम्हारा जिला कौन सा है? पटना है। पटना से पहले और रोहतास से पहले ऑटो वाला बोलेगा। मैं इनको आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूँ, सबसे भ्रष्ट सरकार। आपने रामलीला मैदान में कहा था कि अगर हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट पार्टी है तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। आपने ही तो कहा था, आपने ही कहा था सोनिया गांधी जी के पास सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी सीबीआई जानी चाहिए। आज आप सोनिया गांधी जी के चारों में लेट रहे हैं। अरे ये जनता है साहब, इसको कितना दिन भरमाओगे? कांग्रेस का पंच बनता है। देखिए ये कह रहे थे ना देश के प्रधानमंत्री मौन, एक प्रधानमंत्री इतना बोलते हैं लेकिन वो सिर्फ भाषण देते हैं। आप देखिए कि 2014 में सिर्फ 54 लाख कर था, 54 लाख हजार करोड़, आज कितना कर्ज है? 205 लाख करोड़। और एक कौन कह रहा है, IMF की रिपोर्ट कह रही है कि इतना कर्ज इस देश पे, जो बच्चा पैदा हो रहा है ना उसके ऊपर भी कर्ज है। जी ना, पहले रोहतास जिला, पहले रोहतास। मैं तीन बात पर बोलूंगा। जी बोलिए बाबूजी, दिल्ली कैसे आना हुआ? रहते हैं, चेकअप कराने के लिए। चेकअप कराने, सब ठीक निकला? ये ज्यादा जरूरी है। ब्लड टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं। भाई देखिए, अगर हल्ला मचाएंगे सारे लोग बैठेंगे पहले, सारे लोग बैठेंगे पहले।
चुपचाप खड़े रहो, मुड़ेचा हम भी बांधना जानते हैं, चुपचाप बने रहो जी। बाबूजी बोलिए, सबसे पहले बाबूजी की बात सुनो, पहले बिहार से आए हैं, सबसे पहले आरएसएस के बारे में बोलेंगे। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि 1962 की लड़ाई में बॉर्डर पर न कोई रोड था, न कोई गाड़ी जाने की सवारी थी। उस समय आरएसएस के स्वयंसेवक ही अपने पीठ पर गोला बारूद और सैनिकों का खाना लाद के ले गए थे, इसको मत भूलिए। दूसरी बात, आरएसएस का कोई नेता कभी किसी कांग्रेसी के खिलाफ या मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलता है, फिर ये दोनों उसके खिलाफ क्यों बोलते हैं? तीसरी बात, इन्होंने कहा कि 50,000 बेरोजगार राजस्थान में घूम रहे हैं। अरे कर दिया 2014 के पहले वाली याद करो, खून के आंसू रोते। अगर मोदी सरकार नहीं होती तो बेरोजगारी और महंगाई से खून के आंसू रोना पड़ता। अभी अभी देश को सख्त जरूरत है मोदी। अरे वो नेपाल वाली चली गई क्या? नेपाल वाली गई? अच्छा ऐसा नहीं, खड़े रहो चुपचाप। तुमको डांटा था ना हमने, हफ्ता भर बाहर किया था ना, आज हमें होश में दिख रहे हो तुम, चुपचाप खड़े रहना जी। नहीं, बातचीत के सिलसिले को बहुत तार्किक दृष्टि से रखना चाहिए, और जो बातें हो मैं आऊंगा प्रभात जी। अमित, अभी आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे कि दुनिया के सारे लोग तानाशाही हैं। मेरा विनती है, आप तो तानाशाही नहीं है ना, एक बार खाली हमें कैमरा के साथ 8 लाख का पर्दा दिखा दो जो अरविंद केजरीवाल जी के घर पे लगा हुआ है, मैं मान लूंगा आप तानाशाही नहीं हो। खैर, आप न्याय यात्रा की बात कर रहे थे, अरे पहला राज्य तो अरुणाचल है, अरुणाचल में क्यों नहीं जा रही है कांग्रेस पार्टी, वहां से शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे तो चाइना के साथ डिस्प्यूट भी है हमारा। खैर, आप कहते हैं मणिपुर में आपने न्याय किया, आपने मणिपुर में न्याय किया होता तो आप पार्टी कैसे चली जाएगी भाई, उसमें पार्टी कैसे चली जाएगी अरुणाचल? नहीं, यात्रा निकलनी थी। अच्छा, यात्रा यात्रा ये मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन उसके आगे अरुणाचल है, वो चाइना से विवाद है। ठीक, आई गॉट इट। चाइना से चंदे का आरोप भी लगा है इन पर, क्या ये कारण है? खैर, आप मणिपुर में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के नहीं आए, केंद्र में लेके आए। अगर आपको न्याय करना था मणिपुर में आप लेके आते, और कौन सा न्याय आपने किया? 3 तलाक, जब महिलाएं कह रही थी 3 तलाक से मुक्ति दो, आपने न्याय किया? 89 आप बिहार से गुजरेंगे, 89 के दंगा 20 बरस हो गए, आपने न्याय किया? 84 का दंगा आपने न्याय किया? अरे कोरोना में, और आम आदमी पार्टी कह रहे थे न्याय नहीं होता। सुनो भैया, मैं समझ गया जी, मैं दूंगा प्रभात, आप ही को दूंगा जी। बैठ जाइए जी, टीना बैठ जाए जी। हाँ आएंगे, तो मालूम बहुत चिंता जी। हमारे तिवारी जी अभी कह रहे थे कि ये पार्टी उसको माला पहनाती है भ्रष्टाचार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम है। कहाँ से? बिहार से? नहीं, बलिया से। हाँ बलिया से, हाँ मुझे मालूम। नहीं, मंगल पांडे को आप जानते हैं, बहुत काबिल है ना, कुर्ता खद्दर का ही है ना। हमारे तिवारी जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को माला पहनाती है दूसरी पार्टियां। तिवारी जी, बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है कि जिस पार्टी और जिस विचारधारा को लेकर के आप आते हो, गुजरात में 3 साल की बेटी को पटक के मार देने वाला कन्विक्टेड व्यक्ति को माला पहनाती है, बलात्कारियों को माला पहनाती है भारतीय जनता पार्टी। और यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि वो व्यक्ति सत्ता में बैठे है, और उनको कहर पूछना चाहिए। आज देश पूछ रहा है आपसे कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर आपकी आज क्या राय है। तिवारी जी बोल सकते हैं, है हिम्मत बोलने। प्रतीक भैया, इन्होंने शर्म की बात की, बेशक बहुत शर्म लगता है, सर झुक जाता है मेरा जब देश के वीर सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी जाके उनसे सबूत मांगते हैं। मेरा शर्म झुक जाता है जब कोरोना में डॉक्टर वैक्सीन बनाते हैं और उनसे वो बोलते हैं चूहा मारने की दवा। मेरा शर्म झुक जाता है जब भ्रष्टाचार करके गरीबों का हक कांग्रेस मारती है। घुटने टेकने वाले लोग, जिस दिन ब्रजभूषण सिंह पे आरोप गठित हो जाएगा और कोर्ट उन्हें सजा देगी, दिन के भर भी हम समय नहीं लगेंगे। सामने गुंडे टिकने वाले लोग, हमें जान देने से पहले तिवारी जी, हमें जान देने से पहले मुझे लगता है कभी कभी अगर मैं उधर खड़ा हूँ और मेरे पास कोई जिम्मेदारी ना हो, बाजी मेरे पास कोई जिम्मेदारी ना हो, इधर खड़ा हूँ, तो शायद मैं भी वैसे ही करूंगा जैसे ये लोग कर रहे हैं, मैं भी करूंगा ऐसे। लेकिन सच ये है कि इस शो में आर्मी वाले लोग भी आते हैं, खड़े हैं इसमें, खड़े हैं, बताने की जरूरत नहीं है, और वर्दी में नहीं है वो लोग, लेकिन खड़े हैं, डिसिप्लिन वे में खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं, आनंद ले रहे हैं शो से। बाहर वहां से आए हैं, इसमें छुट्टी होगी, उनकी छुट्टी ली होगी,
और वो खड़े हैं चुपचाप आनंद लेंगे उसके बाद चले जाएंगे। अच्छा नहीं लगता जब आप लोग एक साथ, और होता क्या है जब इधर वाले और उधर वाले हल्ला मचाने लगते हैं तो ये भूल जाते हैं अपना तर्क। क्यों भाई साहब, दिक्कत तो होती होगी बहुत? हाँ आपको तो बहुत दिक्कत होती होगी, दिक्कत तो होती होगी। भाव जी कहाँ से आना हुआ आपको? गोरखपुर से। गोरखपुर से, क्या नाम है? सुधाकर त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और भैया आप कहाँ से आए? आप कहाँ से? हाँ आगरा से। आगरा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा लग रहे हैं आप, सारे लोग बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम फिल्म इंडस्ट्री वाले लग रहे हैं सारे लोग। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से। अच्छा घूमने आई हैं दिल्ली? बिजनेस के काम से आई थी। बिजनेस का काम आप खुद करती हैं? मेरे हस्बैंड और हम दोनों करते हैं। पहले इन दोनों के लिए जोरदार ताली बजाइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ इस तरह की महिलाएं आगे आती हैं तो मेरा उत्साह बढ़ जाता है। वाह देश में ऐसा है, बहुत सारे लोग हैं। कृष्णा पुनिया के परिवार से हूं मैं। बस स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। कहाँ हस्बैंड कहाँ खड़े हैं? अच्छा अच्छा, अरे साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। राइस का काम है हमारा। राइस का काम है, बहुत अच्छा। फोर्टिफाइड राइस जो बनता है, राइस को पीस के उसका काम है। बहुत बहुत स्वागत है आपके, बिजनेस में बहुत सारी तरक्की हो और बहुत सारा उसमें बहुत सारा इंडस्ट्री बड़ी हो जाए आपकी। और ये सारी फौज कहाँ से आई है? रोहिणी से। किसके साथ आए हो सब लोग? मम्मी पापा। मम्मी पापा के साथ आए हो, तो आज कोई खास वजह थी? नहीं हम बोर हो गए थे। अब आप समझो ये बोर हो जाए बाजी तो ये शो में आ जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम आपको टीवी में देखते हैं। हाँ बस बस बस, टीवी पे ज्यादा अच्छा लगता है। तो बोर हो रहे थे तो चलो अच्छा, तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं हम, कुछ कर सकते हैं? हाँ बताइए आप क्या क्या कर सकते हो? मैं पूछो, बताओ तुम क्या कर सकते हैं? तुम बताओ क्या कर सकते हैं, तुम्हारा ये जो बोरियत है वो कम हो जाए? हो नहीं रही कम। नहीं हो रही है? क्या करती हैं आप? मैं अभी कॉलेज में हूँ। कॉलेज में? आप सारे लोग कॉलेज में? नहीं हम, मैं स्कूल में हूँ। स्कूल में? और आप? स्कूल। स्कूल में, तो मैं जरूर बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं इनका जवाब दे दूँ भैया? बिल्कुल। अब फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। कहाँ से आना हुआ भैया? मैं बिहार से हूँ। आप बिहार वाले वेट करेंगे आज? बिहार के तो, बिहार के बगैर तो हम शो करते ही नहीं है। तो मैं आपकी बोरियत दूर करने के लिए कुछ बताऊं? सुबह जब उठिएगा अपने पड़ोस में जाइएगा, दिल्ली में रहती है ना रोहिणी में, पड़ोसियों को देखिएगा कि क्या परेशानी है, क्या कर ना 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 बेटा, हंसने की बात नहीं है, पूछना उनसे। और पड़ोस का मतलब सिर्फ बगल वाला ही नहीं होता है, देखो क्या कर सकते, कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। पशु हैं, पक्षी हैं, इसमें ठंड है तो कैसे इन्वॉल्व हुआ जाए, ना 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 सीखने की जरूरत है। फिर तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर इंटरेस्ट बनेगा और बहुत सारी चीजें इससे दूर होंगी। ऐसे ही मेरे माँ बाप ने मुझको ऐसे ही बताया था, जो उन्होंने मुझे बताया वो मैंने बता दिया, हो सकता कि झूठी मूठ बता दिया हो। आपने भी यही बोला था? मैंने भी यही किया था कि क्यों बोर, तो तुम्हारी उम्र से तो मैं भी गुजरा हूँ, मुझे भी बोरियत हुई। और जो आज की पीढ़ी है ना उसको बहुत जल्दी बोरियत होती है, बहुत जल्दी बोरियत होती है। तो बोरियत दूर करने का तरीका यही है कि कुछ ना कुछ खोजा जाए आसपास, एक ही व्यक्ति हो चाहे उसके चेहरे पे अगर मुस्कान लाने की कोशिश की जाएगी तो काम बन सकता है। वैसे तो रोज हम भी खड़े होते हैं बोल के चले जाते। और एक बात और, मैं शो पे आता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर गौर करें पाजी, आपके आपकी इजाजत लेके बोल रहा हूं मैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं। और वो ये है कि हम सारे लोग बड़े बड़ी, जनाब कहाँ से आना हुआ? उत्तराखंड बाजपुर। आगे तो हाँ मैं समझ गया था। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत 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 खैर मैं एकदम करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये है कि हम सारे लोग जितने हैं उपदेश बहुत देते हैं, लेकिन उपदेश से सोसाइटी बदलती नहीं है। वैसे सच में बताऊं, करने से बदलती है। करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने पड़ोस में ही देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और ये जो बोरियत शब्द है ना, जो तुम्हारी उमंग तरंग की एज है, उससे बहुत निजात पा सकते हो। बोलो बिहार जी। बोलो क्या बोलो? अरे अभी तो बोल रहे थे कि हमसे भी पूछो। इनसे पूछ रहा था आप कहां से, मैंने सोचा आप हमसे भी पूछ लो। मैं ये कान उखाड़ के ना इधर ही लगा दूंगा, तुम्हारे दोनों कान एक ही तरफ कर दूंगा। अभी कह रहे थे बोलना है। नहीं आप बैठेंगे जी। जनाबे आली कुछ कहना है आपको? भारत माता की। राहुल जी ने यात्रा शुरू की है, मैं स्वागत करता हूँ।
कि वो न्याय के लिए निकले हुए हैं। यात्रा में जा रहे हैं उनकी? नहीं नहीं, मैं न्याय मांग रहा हूँ उनसे। 1947 में आपके नाना जी ने जिन्ना से मिलकर दो टुकड़े कर दिए, नरसंहार हुआ हिंदू मुसलमानों का, मेरा समाज लुहान हो गया। ये पसमांदा समाज से आते हैं, पसमांदा मतलब वो होता है, ये मुस्लिम है लेकिन पसमांदा का मतलब ये, वो वैसे तो इधर भी हैं उधर भी हैं, पसमांदा मतलब वो जो हाशिए पे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ, आज मेरा समाज न्याय मांग रहा है आपसे, वो न्याय दे दो। 70 वर्ष में जो किया आपने उसका भी न्याय दे दो। 4 घंटे लाइट आती थी किसानों के लिए, परेशान था अपने फसल के लिए, यूरिया नहीं मिलता था, लाइट नहीं मिलती थी परिवार वालों के लिए, शिक्षा नहीं थी, रोजगार नहीं थे, और कहाँ तक मेरे परिवार के लिए रोटी खाने के लिए भी अनाज नहीं था। उसका जवाब दे दो, उसका न्याय दे दो मेरे समाज के लिए। लेकिन राहुल जी, आप जो न्याय मांग रहे हो ना, तो मुझे पहला न्याय दे दो। मेरे समाज को आपने ठेली रेड़ी पटरी भी लगाने मजबूर कर दिया, मुझे न्याय दे दो। मैं न्याय मांगता हूँ, मैं आपके साथ कंधे से कंधा साथ चलूंगा, मुझे न्याय दे दो। ये एहसान अब्बासी साहब हैं, पसमांदा समाज से हैं, इन्होंने अपने समाज की बात रखी और कहा कि मुझे न्याय चाहिए और मुझे न्याय दे दो। जी अब आप बोलिए। जी आपको एक चीज बता दूं, अभी जिस न्याय की आप बात कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़े बेचना भी व्यापार है तो नहीं, अरे सुन तो लो, मैं इनको पू कह रहा हूँ। नहीं, आप पकौड़े बेचने वालों को सर्प की निगाह से देखते हैं, आप ठेले चलाने वालों को सर्प, यही इनकी गंदी सोच थी जिसको मोदी जी ने कहा कि हमारे लिए सब समान है, उनका भी लेवल हम उठाने का काम किए हैं, और जब कर्तव्य पे कार्य करके उनको भी अपने विचारधारा में बता दो। मैं बताओ मेरे भाई, आप आ जाओ, न्याय इसको कहते हैं जो एक ऑटो वाला भी साथ में खड़ा के लोकतंत्र की परिभाषा को स्थापित करता है, और आपके मुंह से जो आह निकलता है। वो कहाँ चली गई लड़की? लेट्स डिलीट द ड्रामा, लेट्स डिलीट द ड्रामा। मेरा पूरा नहीं हुआ है। न्याय इसलिए मैंने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री जी पकौड़े बेचने की बात कर रहे थे तो उन युवाओं से कर रहे थे जिनके माँ बाप ने अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ा लिखा के उनको MBA और MA करवाया। सुनो तिवारी जी, सुनो, और सबसे बड़ी बात, आपका बेटा तो BCCI का सेक्रेटरी बन करके बैठे, आप परिवारवाद की बात करते थे, आप बताइए अरुण धूमल कौन है? अरुण धूमल कौन है? सारे लोग बैठेंगे, पहले सारे लोग बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे। आज प्रभात जी ने पूछा कि BCCI मतलब वो जो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है उसका, प्रभात जी आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जो इससे पहले BCCI के अध्यक्ष थे वो गुगली फेंक लेते थे। अब वो बहुत बड़े लॉन्डर थे। ना प्रभात जी, एक मिनट, मैं बात कह रहा हूँ। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जो BCCI का अध्यक्ष होता है वो गुगली भी फेंक लेता है और एक ओवर में 6 छक्के भी मार लेता है। हाँ सुनिए, और दूसरे का जवाब देता हूँ। दूसरे का आपने कहा कि वो नौजवान, ऑफकोर्स अगर नौजवान है, डिग्री है, तो इनको इनके यथोचित इनको नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताइए, और बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल करी और उन्होंने चाय का व्यापार करना शुरू कर दिया। ये बगल में ऑटो वाले ग्रेजुएट हैं। मैं ऑटो, आपका ग्रेजुएशन है आप? सर पढ़ाई तो मैं किया हूँ। नवल जी नहीं बोलेंगे, हमारे अच्छे अच्छे बंधु हैं, ये नहीं बोलेंगे कि इंटीरियर पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने MA किया है। मुझे पता है नवल भाई, आप अच्छे आदमी, ईमानदार आदमी हो, इंटीरियर पॉलिटिकल तो ऑटो नहीं चलाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ इंटीरियर पॉलिटिकल साइंस में MA किया है, ये बात हमारे ईमानदार नवल भाई नहीं बोलेंगे। लेकिन जब इस ढंग की बातें बोली जाएगी कि नल के गैस से पाइप डालो, बटिया लगाओ, गैस कौन बोला? आलू से सोना कौन बोला? आलू डालो सोना मोदी, नरेंद्र मोदी भैया कंडम कीजिए, गलत कंडम कीजिए, नरेंद्र मोदी का श्रीमंत है ये, देश के प्रधानमंत्री ने कहा। मुझे दो लोग मिले, एक ने मुझे ब्रेक में एक मोबाइल दिखाया, मैं आ रहा हूँ बिहार पे आ रहा हूँ, उन्होंने एक मोबाइल दिखाया, बैठे रहिएगा साहब, उठिएगा नहीं, बिल्कुल चेहरा दिखाने की कोशिश मत करिएगा मेरे शो में। उन्होंने एक मोबाइल दिखाया और उसमें एक मैसेज लिखा हुआ था, यहाँ खड़े थे, कहाँ गए? हाँ, और उसमें मैसेज लिखा था कि देश में इस पर चर्चा करवाइए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए किसी नेता बनने के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी बात करी। देखिए, ये देश और यहाँ की रीतो रिवाज,
यहाँ का डेमोक्रेटिक प्रोसेस चीजों को चुन रहा है, ठीक है। लेकिन हमने ये इसलिए किया था कि अगर कोई जूता भी गांठता है तो वो भी इस देश का नागरिक है और वो भी चुनाव लड़के एमपी बन सकता है। ये तो ताकत की बात हुई। लेकिन हाँ, मैं एजुकेशन को पीछे नहीं रख सकता, लेकिन हाँ धीरे धीरे चेंज आएगा और चीजें आएंगी, एविडेंट होगी। एक ने कहा था यहाँ पे बहस कराइए स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर, जरूरी है, बहुत जरूरी है, इससे बात होनी चाहिए। सर मैं नहीं पूछता, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता। सर यू जस्ट प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी प्रतीक भाई मुझे एक मिनट दीजिएगा। अभी ये ऋषभ जी बता रहे थे कि इनको न्याय मिल गया। अरे मोदी जी न्याय थोड़ी नहीं दिए, वो अपने बेचारे रोजगार करते। मैं उनको सलाम करता हूँ कि अपने रोजगार करके ऑटो चला करके अपने परिवार का तो क्या सारे मुख्यमंत्री रोजगार दे रहे हैं? अब जवाब लेने दीजिए प्रतीक भाई, मुझे कंप्लीट कर दीजिए। जहाँ तक पकौड़े की बात है, जब हिंदुस्तान का 18 करोड़ युवा आज पूछ रहा है मेरा रोजगार कहाँ है, मेरी नौकरी कहाँ है, मोदी जी कह रहे पकौड़े तलो पकौड़े तलो। इसलिए पकौड़े की बात आई, पकौड़े पकौड़े तलने वाले की मैं सम्मान करता हूँ और इज्जत करता हूँ। जहाँ तक अभी ये कह रहे थे मेरा फर्ज झुक जाता है, प्रतीक भाई मेरा भी फर्ज झुक जाता है जब ब्रिजभूषण फरन सिंह जैसे आदमी के सामने हमारे देश का प्रधानमंत्री घुटने टेक। बिल्कुल 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 मैं लूंगा, मैं बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल लूंगा, जवाब लूंगा, जरूर लूंगा। जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ मौजूद हैं, यहाँ से कुछ सीखने के लिए चीज है नहीं जो मैं आपको दे सकूं। लेकिन सच में बता रहा हूं, इन्होंने जो बात कही कि झुक जाता है सर, झुक जाता है, आपका सर उस बात से नहीं झुकता जो डीटीसी में पेंशन नहीं आ रही है, एमसीडी में टाइम से पेंशन नहीं आ पा रही, आपका सर से सर नहीं झुकता है, तब क्या? मैं डंके की चोट पे सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अभी हिंदुस्तान दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा चला रही है कि दवा घोटाला हो गया, दवा घोटाला हो गया। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने केंद्र सरकार जो अपने अपने हाथ में पूरा का पूरा पावर जब्त कर रखी है, बोलती हेल्थ सेक्रेटरी को सस्पेंड कर। प्रतीक जी, मैं सारा बासी साहब के जो सवाल थे उसको जो कांग्रेस समर्थक है उन्होंने किस बखूबी उसको दबाकर अपने प्रोपेगेंडा को उन्होंने यहाँ पर ऊंचा कर दिया, मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ।